नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रात के समय अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी बढ़ती कमर कम हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आप कम कर सकते हैं तो आपकी बढ़ती हुई कमर कम हो सकती है। दोस्तों, रात हमारी दिन भर की थकान को कम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। रात में अक्सर लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं या फिर तरह तरह की किताबें पढ़ना। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो ये आदतें आपको दे सकती हैं फायदा। पहला है दोस्तों, रात के खाने में नमक कम हो। अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रात के खाने में नमक कम कर देना चाहिए। डिनर में चाइनीज फूड को आपको नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके उबली सब्जियां और सूप लें। ये सारी चीजें कमर कम करने में काफी लाभदायक होती हैं। दूसरा है दोस्तों, रात के समय एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, रात के समय वर्कआउट करने से अच्छी नींद आती है, जिससे हमारा वजन संतुलित रहता है और सुबह के समय हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो रात में एक्सरसाइज करने की आदत आप अपना लें। तीसरा है दोस्तों, लंच टाइम से करना भी काफी आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर हम लंच टाइम से नहीं करेंगे तो वो शरीर की चर्बी को बढ़ाता है। कई बार काम की वजह से या फिर खाना ना बनाने की वजह से हम लंच को स्किप कर देते हैं। दोस्तों, लंच को समय पर करने की एक आदत डालनी चाहिए। ये आपके वजन को मेंटेन रखने का काम करता है। चौथा है दोस्तों, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। पानी आपके शरीर में से ज्यादा विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, कमर को कम करना चाहते हैं, तो आप पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। रात को सोते समय कमरे में पूरी तरह से अंधेरा रखें। जब आप रात को अंधेरे कमरे में सोते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन अधिक बनता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके रूम की सारी लाइटें बंद हो और पूरी तरह से अंधेरा हो। ये चीज वजन कम करने में लाभदायक होती है। तो दोस्तों, ये थी 5 आदतें जिन्हें आप अपनाते हैं तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।